हेलो फ्रेंड्स, आई एम दिनेश विथ अनदर क्वेश्चन फ्रॉम द आर डी शर्मा चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर एक्सरसाइज 1.2। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 615 एंड 963 लीविंग रिमाइंडर 6 इन ईच केस। ओके, तो हमको वो लार्जेस्ट नंबर बताना है, मतलब फाइनली हमको एचसीएफ बताना है 615 और 963 का, जो कि इन नंबर को डिवाइड करने पर 6 रिमाइंडर देता है। ठीक है, अगर हम माने कि वो लार्जेस्ट नंबर इन दोनों नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड कर दे, अभी तो डिवाइड करने पर वो 6 रिमाइंडर दे रहा है, तो उसके लिए हम 615 में से 6 कम कर देते हैं और 963 में से भी 6 को कम कर देते हैं। ठीक है, ऐसा करने से क्या होगा, वो जो नंबर होगा वो उन दोनों नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड कर सकेगा, मतलब उनका उस केस में रिमाइंडर 0 होगा। अभी उस नंबर से डिवाइड करने से जो कि हमको फाइंड आउट करना है, रिमाइंडर हमको 6 मिल रहा है। अगर 6 ना मिले, रिमाइंडर 0 मिले, तो हम 6 को इन दोनों ही नंबर से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। वी नीड टू फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच divides 615 and 963 leaving remainder 6 in each case। okay, मैं आपको बिल्कुल प्रॉपर मेथड बता रहा हूँ एग्ज़ाम में सॉल्व करने की, अदरवाइज़ ये सारे स्टेप्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट कैलकुलेशन पे आ सकते हैं, वो नंबर बता सकते हैं। ठीक है, इससे हमको थोड़ी प्रैक्टिस होगी जिससे एग्ज़ाम में हमको फुल मार्क्स मिले। ओके, देन आगे इसे कंटिन्यू करते हैं। द रिक्वायर्ड नंबर when divides 615 and 963 leave leaves remainder leaves remainder 6, this means 615 - 6 is equal to 609 and 963 - 6 is equal to 957 are completely divisible by the number। ओके, ये स्टेप क्लियर है। हम ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं, हम ये समझाना चाहते हैं कि अगर वो नंबर जो कि हमें फाइंड आउट करना है, इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करने पे 6 रिमाइंडर देता है, अगर इन दोनों नंबर्स में से अगर हम 6 को कम कर दें, तो वो नंबर इन नंबर्स को कम्प्लीटली डिवाइड करेगा, तो हमको फाइनली इन दोनों ही नंबर का एचसीएफ फाइंड आउट करना है। ओके, therefore this required number
this required number is equal to HCF of 609 and 957. By applying Euclid division lemma, okay, so by Euclid division lemma, 609 is less than 957, so humko 957 ko 609 se divide karna hai. So 957 is divided by 609. So 609 ones are 609. Subtract kya? 17 minus 9, 8, 4 minus 0, 4, 9 minus 6, 3. Remainder is case mein abhi humko 648 mila. To ye process again humko apply karna hogi. To hum is step ko likh lete hain. 957 is equal to 609 into 1 plus of 348. Again, apply division lemma, long division method. तो अब हमको 609 को 348 से divide करना है. मैं यहीं लिख लेता हूँ, जिसे अपन long division method के नाम से भी जानते हैं. So 348 ones are, देखो अगर twos are करेंगे तो 300 plus 300 600 हो जाएगा. 48 मिलकर एक बड़ा number बन जाएगा जो कि 9 से बड़ा होगा. तो ये भी वन टाइम से कैंसिल होगा. 348 वन्स आर 348, तो 9 माइनस 8 वन, 10 माइनस 4 सिक्स, 5 माइनस 3 टू. ओके, तो 609 इज इक्वल टू 348 इंटू 1 प्लस ऑफ 261. ओके, अब हमको 348 को डिवाइड करना है 261 से. तो अगेन ये भी वन टाइम्स ही जाएगा. हमने वन टाइम्स किया तो 261 वन्स आर 261. सबट्रैक्ट किया 8 माइनस 1 9, 14 माइनस 6 तो बचा 8, 89. ओके, तो 348 इज इक्वल टू 261 इंटू 1 प्लस ऑफ 8 माइनस 1 यहाँ 7 आएगा, 8 माइनस 1 7 प्लस ऑफ 87. ओके, अब 87 किसको डिवाइड करेगा? 261 को. 261, अब 261 जो है वो 87 के टेबल में आएगा. 87 थ्रीज आ 261 और कैंसिल होकर रिमाइंडर बचा 0. तो फाइनली 261 इज इक्वल टू 87 इंटू 3 प्लस ऑफ 0. इस केस में जो हमारा डिविज़र है वो है 87. देयरफॉर जो हमारा HCF आया, HCF इज इक्वल टू 87. तो वो जो नंबर हमको फाइंड आउट करना था जो कि इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करे और रिमाइंडर 6 दे, वो होगा 87. ओके, हम इन दोनों नंबर को 87 से डिवाइड करके क्रॉस चेक भी कर सकते हैं कि आंसर हमारा सही है या नहीं. ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग.